21 फरवरी साल 1894 को शांति स्वरूप भटनागर का जन्म स्वतंत्रता पूर्व शाहपुर में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है। ये भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक थे। इन्होंने लंदन से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। साल 1941 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके शोध कार्यों के लिए इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर शांति स्वरूप भटनागर की अध्यक्षता में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना की गई। कई रासायनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की वजह से इन्हें प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। इनकी याद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सम्मान शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। साल 1954 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 21 फरवरी साल 1896 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। निराला जी एक लेखक, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक रहे। उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए गरीबों और शोषित वर्ग के प्रति हो रहे अन्याय पर लिखा, लेकिन निराला जी अपनी कविताओं के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुए।